कार्तिकेय सिंह पर घिरे सुशासन बाबू, नीतीश के कानून मंत्री पर बढ़ा बवाल, लालू यादव ने दे दी क्लीन चिट। सरकार बनते ही जो सरकार पर हमलावर सुशील मोदी ने कहा है और ये सोशल मीडिया का झूठा है, ऐसा कोई मामला है सर? कोई ऐसा मामला नहीं, ऐसा कोई मामला है सर? नहीं नहीं, गलत बात। बिहार में नई सरकार के कैबिनेट विस्तार के बाद हंगामा जारी है। कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह को लेकर बीजेपी सवाल दाग रही है। बीजेपी का आरोप है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, यही कारण है कि उन्होंने राजद से गठबंधन किया और कार्तिकेय सिंह जैसे दागी को कैबिनेट में शामिल कर लिया। हालांकि इस पूरे मसले पर लालू प्रसाद यादव का भी बयान सामने आया है। लालू प्रसाद यादव ने कार्तिकेय सिंह को क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि कार्तिकेय सिंह के खिलाफ ऐसा कोई मामला नहीं है। दूसरी तरफ इशारों में ही उन्होंने 2024 के एजेंडे को भी सामने लाया है। लालू यादव के मुताबिक 2024 में तानाशाह सरकार को हटाना है, मोदी सरकार को हटाना है। दरअसल बिहार में जेडीयू और आरजेडी के फिर से हुई सियासी दोस्ती पर बीजेपी लगातार हमले कर रही है। बीजेपी का दावा है कि नीतीश कुमार मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने खुद को पीएम की रेस से अलग रखने की अपील की, लेकिन लालू यादव के ताजा बयान से स्थिति साफ हो गई। वहीं लालू यादव से जब पत्रकारों ने सुशील कुमार मोदी से जुड़ा सवाल पूछा तो उन्होंने सुशील मोदी को झूठा करार दे दिया। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह पर कोई भी आरोप नहीं है। बीजेपी कार्तिकेय सिंह पर झूठे आरोप लगा रही है। सरकार बनते ही जो सरकार पर हमलावर सुशील मोदी ने कहा है और ये सोशल मीडिया का झूठा है, ऐसा कोई मामला है सर? पीछे कोई ऐसा मामला नहीं, ऐसा कोई मामला है सर? नहीं नहीं, गलत बात। बड़ी बात यह है कि जेडीयू आरजेडी की नई सरकार बनने के बाद पहली बार लालू यादव के पटना आगमन पर समर्थकों में उत्साह का माहौल है। लालू यादव लंबे समय से दिल्ली एम्स में इलाज करा रहे थे। अगर बिहार की नई सरकार को देखें तो एनडीए से बाहर आने के बाद नीतीश कुमार ने राजद के साथ गठबंधन की घोषणा की थी। इसके बाद सीएम पद की शपथ लेने से पहले नीतीश कुमार ने लालू यादव से फोन पर बात भी की थी। हालांकि नीतीश कैबिनेट के विस्तार में शामिल चेहरों पर भी लालू यादव की मुहर लगने के दावे हो रहे हैं। ताजा विवाद नीतीश कुमार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह से जुड़ा है। अपहरण मामले में कार्तिकेय सिंह के खिलाफ वारंट जारी है। उन्हें 16 अगस्त को कोर्ट में सरेंडर करना था, लेकिन उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली और कानून मंत्री बना दिए गए। लालू यादव और कार्तिकेय सिंह की सियासी दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। लालू यादव ने ही कार्तिकेय सिंह को एमएलसी चुनाव में पार्टी का टिकट दिया था। कार्तिकेय सिंह और नीतीश कैबिनेट पर लगाए जा रहे आरोपों को लालू यादव ने गलत करार दिया है। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार के कैबिनेट पर लालू यादव की पकड़ है या नीतीश कुमार किसी प्रेशर में है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।